अगली बड़ी खबर गोहद से है, जहां ठेकेदार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। जयेश्वर महादेव मंदिर की जमीन पर बने मकानों की को क्षति पहुंचाई जा रही है। वहीं शासकीय रिकॉर्ड में माफी औकाफ की भूमि दर्ज है। कलेक्टर जयेश्वर महादेव मंदिर के प्रबंधक हैं। शिकायतकर्ताओं को ठेकेदार लगातार धमकी दे रहे हैं। ये खबर आपको बता रहे हैं गोहद से, जहां ठेकेदार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। बता दें कि जयेश्वर महादेव मंदिर की जमीन पर बने मकानों को क्षति पहुंचाई जा रही है, जिसकी शिकायत करने के बाद ठेकेदार लगातार शिकायतकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। से जहां ठेकेदार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। जयेश्वर महादेव मंदिर की जमीन पर बने मकानों को क्षति पहुंचाई जा रही है, जिसकी शिकायत लगातार शिकायतकर्ता ने की। उसके बाद ठेकेदार लगातार शिकायतकर्ता को धमकी देते नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो एक तरीके से ठेकेदार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं गोहद से, जहां ठेकेदार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। जयेश्वर महादेव मंदिर की जमीन पर बने मकानों को क्षति पहुंचाई जा रही है, जिसके शासकीय रिकॉर्ड में माफी औकाफ की भूमि दर्ज है। बता दें कि कलेक्टर जयेश्वर महादेव मंदिर के प्रबंधक हैं। तो वही शिकायतकर्ताओं को ठेकेदार के द्वारा लगातार धमकी देते नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, गोहद से खबर सामने आ रही है जहां ठेकेदार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, पूरी जानकारी क्या है? जी मैडम नमस्कार, पूरी जानकारी है मैडम, शासकीय भूमि है मंदिर, जयेश्वर महादेव की भूमि है जी, और मंदिर की भूमि पे जहां 3 साल से इस ठेकेदार ने काम नहीं किया था, आचार संहिता के दौरान रात्रि काम लगाता है रात के समय जी, और 80 से 90 पेड़ छायादार वृक्षों को काट दिया गया है जी, और रहवासियों के जहां पर मकान है उन मकानों के ठीक पीछे से उसको खोदा जा रहा है, जहां पर बरसात में मकान गिरने का भी खतरा रहेगा जी। और वहीं अतिक्रामक ने वहां एक पार्किंग बना दी है, जिसका 1000 रुपया वसूली वो कर रहा है जी, और मकान बना के निर्माण कर लिया है जी। शैलेंद्र, देखा जाए तो शिकायतकर्ता ने लगातार इसकी शिकायत की, आखिर ठेकेदार पर कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं? जी अभी तक SDM साहब आज मौके पर आए थे, उन्होंने कार्रवाई की है, उन्होंने उसका कार्य बंद करा दिया है जी, लेकिन साठगांठ लग रही है, फिर भी वो काम करना चाहते हैं, रात को काम लगा देते जी, क्योंकि मंदिर की भूमि है, माफी औकाफ की भूमि है, उस पर कार्य नहीं कराया जा सकता, फिर भी लगातार दबाव बना रहे हैं, वहीं शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं गोहद से, जहां ठेकेदार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। बता दें कि जयेश्वर महादेव मंदिर की जमीन पर बने मकानों को लगातार क्षति पहुंचाई जा रही है, जिसकी शिकायत शिकायतकर्ताओं ने SDM से की, और उसके बाद में भी ठेकेदार पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है।